रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। पुलवामा अटैक पर राहुल गांधी के बयान पर हमीरपुर के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस पार्टी के नेता आतंकवादियों के घरों में जाकर आंसू बहाते हैं, उन्हें सरकार से पुलवामा हमले की रिपोर्ट को जानने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि आज सारा देश पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवानों को याद कर रहा है, लेकिन कांग्रेस अपनी राजनीति चमकाने में लगी है। उन्होंने कहा कि देश में इस तरह की राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं है। पुलवामा अटैक पर राहुल गांधी के बयान पर हमीरपुर में केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस पार्टी के नेता आतंकवादियों के घरों में जाकर आंसू बहाते हैं, उन्हें सरकार से पुलवामा हमले की रिपोर्ट को जानने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि आज सारा देश पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवानों को याद कर रहा है, लेकिन कांग्रेस अपनी राजनीति चमकाने में लगी है। उन्होंने कहा कि देश में इस तरह की राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं है। जो लोग आतंकवादियों के घरों में जाकर आंसू बहाते हैं, लेकिन शहीदों के घर तक जाने का कभी सोचते भी नहीं, उनको कभी ये सवाल पूछने का हक भी नहीं। क्योंकि जब इंस्पेक्टर ML शर्मा की शहादत हुई बाटला हाउस कांड में, उसके बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता आतंकवादियों के घरों में तो गए, लेकिन शहीद के घर में नहीं गए। कई बार ऐसे उदाहरण हुए जहाँ पर राज्य से बाहर कांग्रेस के नेताओं को शहीदों के घर तक जाते कभी किसी ने देखा नहीं। और फिर पुलवामा अटैक की आज जब सारा देश उनकी शहादत को याद कर रहा है, कुछ लोग उसमें भी राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे घटिया स्तर राजनीति का और क्या हो सकता है। वही अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर रेल लाइन के काम के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि सरकार रेल लाइन के लिए अपने हिस्से का अनुदान जल्द दे ताकि रेल लाइन बन सके। मानना यही है, अगर हम बद्दी चंडीगढ़ रेलवे लाइन के लिए, भानुपली बिलासपुर रेलवे लाइन के लिए अगर राज्य की सरकार अपना शेयर दे रही है, तो राज्य की सरकार को ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन के लिए भी कुछ ना कुछ शेयर अवश्य देना चाहिए ताकि रेलवे लाइन बन सके। इस मामले में उनको पत्र लिखा है और रेलवे मंत्रालय भी उनसे वापस पूछेगा कि राज्य की सरकार कितना खर्चा वहन करने के लिए तैयार है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोरसू सुल्तानी पंचायत में निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के सामान वितरण समारोह में पहुंचे थे। कार्यक्रम में पहुंचने पर अनुराग ठाकुर का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा, DC हरिकेश मीणा, जिला मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त मौजूद रहे। मोरसू पंचायत में जहाँ एक और आज लोगों की समस्याएं सुनने का कार्यक्रम था, वहीं पर सामान वितरण समारोह भी था, जिसमें जिन लोगों ने देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है और लगातार एक मजदूर के रूप में काम किया है, उनको 1000 सामान आज बांटा गया है, जिसमें से 375 के लगभग इंडक्शन चूल्हे हैं, 350 लैंटेन है सोलर और 300 साइकिल है। इससे बहुत बड़ा लाभ यहाँ के क्षेत्र की महिलाओं को विशेष तौर पर मिला है। मैं सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।